हेलो एवरीवन, रामानुजन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं अब यहाँ पर एक रियल एनालिसिस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि काउंटेबिलिटी कार्डिनलिटी के ऊपर बेस्ड है। देखिए क्या स्टेटमेंट है। ये दिसंबर 2017 में पूछा है, कहता है फोर ए सेट एक्स, लेट पी एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सब सेट ऑफ एक्स, यानी कि पी एक्स क्या है, पावर सेट है, और एंड ओमेगा एक्स बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस एफ जिनकी डोमेन तो एक्स है और कोडोमेन है 0, 1 जिसमें दो एलिमेंट है। कहता है देन नंबर वन, इफ एक्स इज फाइनाइट देन पी एक्स इज फाइनाइट। नंबर टू, इफ एक्स एंड वाई आर फाइनाइट एंड इफ देयर इज ए 1-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई then there is a 1-1 correspondence between x and y. Last कहता है there is no 1-1 correspondence between x and px. Last fourth है there is a 1-1 correspondence between omega of x and p of x. ये question है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे, किस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हैंडल करोगे? तो इस क्वेश्चन में हमें कार्डिनलिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्या दे रखा है, मैं इसको सॉल्व करता हूं। जो कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स है, कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स है वो होती है 2 raised to power कार्डिनलिटी ऑफ एक्स फॉर एनी सेट एक्स, फॉर Any set X. एक तो ये रिजल्ट है। नंबर टू जो रिजल्ट है, जो कार्डिनलिटी ऑफ X है हमेशा लेस देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ PX फॉर एनी सेट, किसी भी सेट के। तो यहां से एक बात तय है, जो x और px में कोई 1-1 कोरेस्पोंडेंस नहीं हो सकती, यानी कि x px के इक्विवेलेंट कभी नहीं होगा। ये कहता है देयर इज नो 1-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन x एंड px थर्ड ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन वन को करते हैं। ऑप्शन वन को अगर हम करें, देखिए ऑप्शन वन में क्या है, एक्स है फाइनाइट है, तो लेट कर लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ एक्स है जो वो है एन, फाइनाइट है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स कितनी होगी, कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स यहां फॉर्मूले रख दीजिए फर्स्ट में 2 raised to power एन। अगर एन फाइनाइट हो तो 2 raised to power n भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, इसका मतलब ये बात है इंप्लाई कर रही है सही है। अब आइए आप ऑप्शन नंबर 2 के ऊपर, ऑप्शन 2 में ये क्या कह रहा है, ऑप्शन 2 में बोल रहा है इफ x एंड y आर फाइनाइट, लेट कर लीजिए कार्डिनलिटी ऑफ x है जो वो m है एंड कार्डिनलिटी ऑफ y है जो वो n है। आगे बोल रहा है एंड देयर इज ए 1-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई, तो कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स कितनी होगी, कार्डिनलिटी पी एक्स होगी 2 raised to power m एंड कार्डिनलिटी ऑफ पी वाई कितनी होगी 2 raised to power n। उसके बाद इसने बोला है देयर इज ए 1-1 कोरेस्पोंडेंस बिटवीन पी एक्स एंड पी वाई, तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। इसका मतलब है 2 raised to power m इज इक्वल टू 2 raised to power n, इसका मतलब है m इज इक्वल टू n, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ x इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ y। अगर दो सेट की कार्डिनलिटी सेम हो, उनके बीच में 1-1 कोरेस्पोंडेंस होती है, एक बाईजेक्शन एग्जिस्ट करती है, तो ये ऑप्शन भी सही है। अब हम फोर्थ ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है हमें,
फोर्थ ऑप्शन की तरफ चलिए। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है देयर इज ए वन वन कोरेस्पोंडेंस बिटवीन ओमेगा ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स। देखिए कार्डिनलिटी एज ओमेगा ऑफ एक्स की कितनी है, कार्डिनलिटी ओमेगा ऑफ एक्स। ओमेगा ऑफ एक्स को किसने कैसे डिनोट किया है, ओमेगा ऑफ एक्स को डिनोट किया है वो फंक्शंस है कहां से, एक्स से लेकर जीरो वन इस सेट तक। तो मैंने इसकी कार्डिनलिटी देखनी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ओमेगा ऑफ एक्स ये क्या होगी, कोडोमेन की पावर डोमेन, यानी कि कोडोमेन की कार्डिनलिटी और उसकी पावर है डोमेन की कार्डिनलिटी। ये होता है फॉर्मूला कार्डिनलिटी कोडोमेन की और ऊपर पावर आती है कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन की। तो कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है टू और कार्डिनलिटी डोमेन कितना है एक्स, टू रेस टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। और पी एक्स की कार्डिनलिटी कितनी थी हमारे पास, क्योंकि पी एक्स के साथ संबंध होता है ना, ये कार्डिनलिटी ऑफ पी एक्स ये थी टू रेस टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। अब ये देखिए दोनों सेम है, तो कार्डिनलिटी ओमेगा ऑफ एक्स इक्वल टू कार्डिनलिटी P of x। तो इसका मतलब अगर दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, इन दोनों के बीच में एक वन वन ऑन टू मैप एग्जिस्ट कर जाएगी, एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगी, तो फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस बात को देखा जो CSIR नेट से संबंधित क्वेश्चन है वो क्या आते हैं, डेफिनेशन बेस, रिजल्ट बेस आते हैं, थ्योरम की एप्लीकेशन बेस आते हैं, वो थ्योरम हमें लगानी आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले हमें काउंटेबिलिटी के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है, काउंटेबिलिटी की थ्योरी को पढ़ना है। अगर आपको काउंटेबिलिटी की थ्योरी आती है तो आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए आप अच्छे से अपने काउंटेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो डेवेलप करिए, इसके से रिलेटेड है रियल लाइफ की बुक पढ़िए और इनके एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चनों को लगाइए। थैंक यू वेरी मच।